हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि अम्ब्रेला मशीन में धागा कैसे डालें। वैसे तो नॉर्मल मशीन में धागा डालना बहुत इजी होता है, इसमें भी इजी होता है, पर इसमें थोड़ा अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से इसमें हम धागा डालते हैं। तो सबसे पहले हम धागे को अपने, ये हमारा धागा है, सबसे पहले हम अपने धागे को इस स्पून पिन में डालते हैं। हम इसे इंडिया गेट भी कहते हैं। इंडिया गेट में डालने के बाद हम ये जो हमारा थ्री स्टैंड है, इसमें तीन छेद दिए गए हैं। आप चाहे तो ऊपर नीचे कहीं पर भी इस धागे को डाल सकते हैं। मैं इस धागे को सबसे ऊपर वाले में डालती हूँ। इसके बाद ये हमारा थ्रेड डिवाइडर है, जो गोल एरिया है ना, इसे थ्रेड ड्राइवर कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं। इसमें दो पत्तियाँ होती हैं, उसके बीचों बीच में हमने धागे को डालना होता है। और ध्यान रहे, धागा डालते समय इस पत्ती के अंदर हमारा धागा आना चाहिए। उसके बाद हमारा ये जो स्टैंड होता है, उसे थ्रेड लीवर कहते हैं, उसमें हमने धागे को डालना होता है। इस थ्रेड लीवर में डालने के बाद हमें धागा यहाँ डालना होता है। ये हमारे धागे को सपोर्ट करता है, हवा में उड़ता नहीं है, इधर उधर नहीं भागता है। उसके बाद नीडल बार में सुई लगी होती है, उसमें हमने अपने धागे को डालना है। हाँ, नीडल बार में सुई लग चुकी है, अब हमारा धागा डल चुका है। इसके बाद यहाँ नीचे हमारा बॉबिन केस होता है, बॉबिन केस में धागा पहले से डला हुआ है, ये देखिए। अगर आपको नहीं आता है धागा डालना तो हम आपको बताते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक धागे को ले लेंगे और हम इसे इंडिया गेट में लगा लेंगे, अपने स्टैंड में लगा लेंगे। और उसके बाद धागे को, पहले से जो धागा हमें इसमें, इसे हम अच्छे से अंदर कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा अंदर कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम कोई सा भी स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे और अब ये हमारा जो घुमाने वाला हत्ता होता है ना, उसमें हम इस तरीके से इसको मशीन जब हम चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये धागा हमारा इस तरीके से इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी हमारा धागा बढ़ चुका है, ये हमारा धागा बढ़ चुके हैं। इस वाले धागे को हम निकाल लेते हैं और इस वाले धागे को अपने इसमें डाल लेते हैं। और उसके बाद हम अपनी बॉबिन केस में धागा कैसे डालें, देखो ये बॉबिन केस है हमारा। इसे अम्ब्रेला मशीन में बॉबिन केस देखो कटा हुआ होता है, नॉर्मल मशीन में थोड़ा अलग होता है, ये अम्ब्रेला मशीन में थोड़ा अलग होता है। अब हम बॉबिन केस में धागा डालने के लिए, ये देखिए धागे को पहले पकड़ लेते हैं और ये देखिए थ्री, यहाँ पे एक वो है ना छेद है, उसके अंदर हमें धागे को इस तरह खींचते हुए लाना है। उसके बाद हमने इसे बॉबिन केस में, ये हमारा ये ना आगे को हमारा हमारे सामने की तरफ को आएगा, ये जो स्टैंड है हमारे सामने की तरफ को आएगा। और जब ये हमारे जब ये लग चुका होगा तो इसमें ये देखिए एक कट सी आवाज़ आएगी इसमें, ठीक है। और अब हम धागे को थोड़ा खींच लेते हैं और अब हम इसमें आपको कपड़ा सिल के दिखाते हैं कि हमारा धागा अच्छे से लगा है कि नहीं। देखिए ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सिलाई अच्छी आ रही है, धागा अच्छे से लग गया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।